नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर और सरायकला पुलिस को मिली सफलता, मोबाइल एवं वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान हुआ बरामद। मिशन 19 को लेकर महिला कांग्रेस ने कसी कमर, प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से महिलाओं को किया जागरूक। रेलवे में नौकरी के नाम पर महिला अधिवक्ता हुई ठगी का शिकार, अपने साथियों के विरुद्ध कराया मामला दर्ज। और स्टेशन क्षेत्र में रेल पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानदारों में दिखा आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। आज खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे पुलिस को मिलती सफलताओं की। जी हां, आपको बता दें कि गोलमुरी थाना क्षेत्र में नामदा बस्ती में एक मोबाइल दुकान में मोबाइल चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी अनुदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि 3 फरवरी को जीतू वर्मा के मोबाइल दुकान का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों ने 17 मोबाइल चोरी करने की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर नामदा बस्ती मकान नंबर 7 लाइन नंबर 7 में हरियाल सिंह उर्फ ओके के घर पर छापेमारी कर 17 मोबाइल अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद कर हरियाल सिंह को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि माइक्रोमैक्स कंपनी की एक टैब के अलावा 16 मोबाइल, 3 प्लास्टिक का मोबाइल कवर और 2 मोबाइल चार्जर बरामद किए गए हैं। रात्रि में गोलमुड़ी थाना क्षेत्र में नामदा बस्ती में जीतू वर्मा जी की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, उसमें चोरी हो गई थी, जिसमें 17 मोबाइल चुरा लिया गया था और कुछ सामान था। इस संबंध में गोलमुड़ी थाना कांड संख्या 29/19 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा महोदय द्वारा एक टीम का गठन थाना प्रभारी के नेतृत्व में किया गया था। टीम ने सराहनीय कार्य किया है, इस कांड का उद्भेदन कर लिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से सभी चोरी के मोबाइल और चोरी में गया सामान बरामद कर लिया गया है। आपराधिक इतिहास है, ये वर्ष 2017 में रेल थाना से भी जेल जा चुका है। अभी तक तो इसी की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन बाकी अन्य किस किस की संलिप्तता है इस बिंदु पर भी अनुसंधान जारी है। साथ ही सरायकला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां जिले के आदित्यपुर पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया से एक शातिर बदमाश मुबारक अली को ट्रक चुराते रंगे हाथों धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले दिनों चोरी की कई घटनाएं हुई थी, इसको लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही थी। वहीं आज भी पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध मुबारक अली को ट्रक के ड्राइविंग सीट पर देख पुलिस ने उसे पहचान लिया और ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुबारक अली एक शातिर चोर है और एक माह पूर्व जमानत पर जेल से छूट कर आया है। फिलहाल पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। वहीं पुलिस का दावा है कि इसके गिरफ्तार होने से चोरी के कई और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। तो खाना किया हुआ था, बाद में उसका खड़ा करके गाड़ी जैसे खाना खाने के लिए ड्राइवर बाहर गया था। उसी समय जब वो खाना खा कर लौटा तो देखा कि एक उसी गाड़ी को कोई लेके जा रहा है, अलग गया इसी बीच दस्ती और लोग जो है वहाँ पहुँच गए, जिसकी मदद से इसको पकड़ा गया। ये ट्रक चोरी कर ये भाग रहा था। पकड़ने के दौरान पब्लिकों ने इसके साथ किया, परंतु अभी हम लोग है तत्काल इसे पूछताछ करने की, इतना घटना में हमें कोई सम्मिलित है कि नहीं। छतीपुर में भी एक दो घटना हमारे यहाँ एक्चुअली की घटी थी, जो पूरी तरह उसे खुलासा नहीं हो पाया। और जमशेदपुर में मिशन 19 की तैयारियों को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री नोट डिसूजा ने महिला कांग्रेस नेत्रियों को कई चुनावी टिप्स दिए। मानगो आजाद नगर रोड नंबर 6 स्थित एक मैरिज हॉल में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मिशन 19 को लेकर आयोजित किया गया, जहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री नोट डिसूजा मौजूद थे। जहां राष्ट्र नेतृत्व के दिशा निर्देश पर कई चुनावी टिप्स महिला नेत्रियों को देकर चुनावी शंखनाद किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि चुनावी वर्ष में राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर सभी महिलाओं को डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस की विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने की जानकारी दी गई है, जहाँ हम इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से सभी महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। जहां इस शिविर में राज्य के सभी जिलों से कांग्रेस महिला पदाधिकारी मौजूद है, वहीं वर्तमान केंद्र सरकार की विफलताओं एवं मिशन 19 में कांग्रेस के चुनावी एजेंडे को लेकर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी जानकारियां भी दी जा रही हैं। उनका क्या करना,
मैसेज एक ये है झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की पूरी मेरी जिला कमेटी प्रखंड कमेटी और हमने प्रदेश पदाधिकारी को भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी नेता डिसूजा प्रभारी इनके आदेशानुसार हमने प्रदेश पदाधिकारी को इन्वॉल्व किया है क्योंकि ये समझ होनी चाहिए और पार्टी में आप देखेंगे कि इस तरह का महिलाओं को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम किया जाता है लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को पता होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में हैं हमको कैसे काम करना है। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है इसके बाद इनको टास्क दिया गया है कि ये अपने क्षेत्र में बूथ लेवल पे प्रखंड लेवल पे जिला लेवल पर जाए और जाकर लोगों से रूबरू हों और आप पार्टी की उपलब्धियां कांग्रेस का क्या इतिहास है उसको बताने का वर्तमान सरकार कैसे लोगों को छलने का काम कर रही है ये सारी चीजें लोगों के बीच में जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरायकला जिले के आदित्यपुर निवासी महिला अधिवक्ता रीना सिन्हा ने अपने 4 अधिवक्ता सहयोगियों के खिलाफ रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। जमशेदपुर सिविल कोर्ट में कार्यरत महिला अधिवक्ता रीना सिन्हा ने 4 अधिवक्ता सहयोगियों द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया है। इधर ठगी की शिकार महिला अधिवक्ता द्वारा चारों आरोपियों के खिलाफ एसपी से मुलाकात कर स्थानीय आदित्यपुर थाने में लिखित शिकायत की गई है। ठगी की शिकार महिला अधिवक्ता रीना सिन्हा ने बताया कि ये विगत 3 वर्षों से अपने सीनियर अधिवक्ता के पास वकालत का शिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जहां इनकी मुलाकात मनीष कुमार गुप्ता और राजेश शर्मा से हुई, जिसके बाद इनके अन्य सहयोगी शैलेश कुमार और राकेश कुमार द्वारा मिलकर रेलवे में ग्रुप सी की श्रेणी में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख बीते 1 साल में ठग लिए गए। ठगी की शिकार महिला अधिवक्ता रीना सिन्हा ने बताया कि इनके साथी वकीलों द्वारा बड़े ही शातिर तरीके से इनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है और न सिर्फ रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए बल्कि इन्हें नौकरी के लिए चयनित होने के नाम पर झूठा मेडिकल और ट्रेनिंग तक बंगाल में दिलवाया गया। वहीं बाद में इन्हें ठगी की भनक होने पर जब महिला अधिवक्ता ने अपने पैसे वापस मांगे तो सभी 4 आरोपियों द्वारा इन्हें धमकी देना शुरू किया गया, साथ ही इनके इकलौते बेटे को अगवा कर जान से मारने की भी धमकी दी गई। इधर ठगी की शिकार पीड़ित महिला अधिवक्ता द्वारा पूरे मामले की लिखित शिकायत 4 आरोपी अधिवक्ताओं के खिलाफ की गई है। यही का मामला यही है। अच्छा यही रहते हैं इसीलिए यही है। अपने दिलाने के नाम पे एडवोकेट मनीष गुप्ता एडवोकेट मुन्ना प्रसाद और उनके साथी शैलेश कुमार ने मिलकर 12 लाख का रुपया मेरे से ठगी की है। पूरा रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए पूरा सारा चीज जाली पेपर पूरा दिए है। ज्वाइनिंग लेटर भी जाली पूरा दिया है। हम कोर्ट में वही पुराना कोर्ट में बैठते थे एक ही साथ उसी टेबल पे उन्हीं लोगों ने शैलेश कुमार से परिचय कराया। क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम रीना सिन्हा। और जमशेदपुर के कीताड़ी केंद्रीय विद्यालय के समीप रेलवे की जमीन पर बने झोपड़ी नुमा मकानों को मंगलवार को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। इस अभियान के तहत लगभग 24 झोपड़ी नुमा घरों को तोड़ा गया है। बताया जाता है कि टाटानगर रेल के द्वारा इस जमीन पर एक प्लांट लगाया जाना है और यह जमीन रेलवे की है, जिस पर लगभग 24 परिवारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इसके लिए पूर्व से ही यहां अतिक्रमण हटाए जाने का नोटिस इन लोगों को दे दिया गया था। पुलिस बल ने जेसीबी के मदद से मंगलवार को यहां से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती यहां की गई थी। कोई प्लांट लगेगा और यहां पहले बता दिया गया था तो 24 ऐसे अवैध घर बने हुए थे जिनको नोटिस दिया गया था, ये सारे घर को हटा दिया गया और इससे रेलवे के प्लांट बनने का रास्ता साफ। साथ ही जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप उस वक्त हंगामे का माहौल बन गया जब आरपीएफ के द्वारा सड़क किनारे लगे दुकानों को हटाए जाने का आदेश दिया गया। काफी देर तक यहां दुकानदारों तथा आरपीएफ थाना प्रभारी के बीच बहस चली जिसके बाद दुकानों को पीछे करवाया गया। वैसे कुछ वर्षों पूर्व ही यहां दुकानें हटाई गई थी जिसके बाद सभी दुकानदार स्थायी तौर पर फिर से यहां दुकान लगाने लगे और इसका शुल्क भी इनके द्वारा दिया जाता है। मंगलवार को फिर से यहां आरपीएफ पहुंची और दुकानदारों को दुकान हटाने का निर्देश दिया। काफी देर तक यहां बहस चली जिसके बाद आरपीएफ ने इन्हें अपने लिए किसी अन्य स्थान पर जाने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर यहां के दुकानदारों का कहना है कि यहां लगभग 250 दुकानदार स्थायी तौर पर दुकान लगाते हैं और यही इनके रोजी का साधन है। काफी बातचीत के बाद वर्तमान समय में दुकानें पीछे करने तथा गंदगी नहीं करने पर सहमति बनी है। हालांकि इन्होंने अपने लिए किसी दूसरे स्थान की मांग की है।
देखिए समस्या क्या है, ऐसे नहीं कम से कम कि 40 साल पहले से ही दुकान यहाँ सब ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा मोमेंट बना जिसमें दुकानदार को यहाँ से हटा दिया गया। फिर भी अपना दुकानदार लोग जो है किसी तरह जीवन पालन कर रहा है फुटपाथ में बैठ करके। अभी हम लोग को कुछ साल पहले जो है वो वाला जगह दिखाया गया था, इधर सब सामने में जगह दिखाया गया था, ये वाला पूरा जगह दुकानदार को मिलेगा, वो भी नहीं हो सका। हम लोग रैना साहब का पास भी किए थे, जीएम साहब का पास भी किए थे, उन्होंने आए थे यहाँ, यहाँ आश्वासन दे के गए कि सबको दुकान 6x6 10x8 का दुकान सबको देंगे, टोकन दिया जाएगा। टोकन दुकान को नहीं मिला, लेकिन टोकन रेलवे की तरफ से कटा। उन्होंने कहा गया कि यहाँ से रोड का इंक्रोचमेंट जो है ये ना हो, इसलिए दुकानें कम से कम रोड साइड से हटा करके ऐसे जगह ले जाएं जहाँ यात्रियों को सुविधा न हो, जो यहाँ आने जाने वाले स्टेशन आने जाने वाले हैं ये सब लोगों को सुविधा ना हो, इसलिए इन लोगों को बताया गया है कि दुकानें इधर से कम ऐसे सेफ डिस्टेंस पर ले जाएं, ताकि रेल का भी ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत एक सुंदरता बना रहे, यात्री को भी असुविधा नहीं हो और जो यात्री हैं वो लाभान्वित हों अच्छे स्टेशन से अच्छे सेवा से। और जमशेदपुर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एवं मानगो नगर पालिका के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां मतदाताओं को वीवीपैट के संबंध में जानकारी दी गई। मानगो आजाद नगर रोड नंबर 13 स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कार्यालय में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहाँ मानगो नगर पालिका के सिटी मैनेजर एस रहमान एवं मुस्लिम लीग के जिलाध्यक्ष मंजर खान मतदाताओं को जागरूक करते नजर आ रहे थे। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए एस रहमान ने कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर पूरे मानगो क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए वीवीपैट के संबंध में जानकारी दी जा रही है। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिलाध्यक्ष मंजर खान ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा यह प्रयास काफी सराहनीय है, जहां हम सभी राजनीतिक दल के लोगों को इस प्रशिक्षण शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। ये उपायुक्त साहब बनाने का जो आदेश है कि जो चुनावी का जो मतलब की मशीन है, ये मशीन है, उस पर लोगों की जो दिन में भ्रम है, ये आशंका है कि हम लोग वोट कहीं देते हैं और जाता कहीं और, इसीलिए सरकार ने एक वीवीपैट इजाद की है, उसमें अटैच की है कि आप जहाँ भी वोट डाल रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी को आप डाल रहे हैं, तो वो आपको स्क्रीन में दिखेगा, वीवीपैट जो मशीन है उस पर दिखेगा कि आपने बीजेपी को वोट मारा तो बीजेपी को दिखेगा, आप कांग्रेस को मारा है तो कांग्रेस को दिखेगा, आप जमीन को मारा तो जमीन को दिखेगा, इसी तरीके से वो मशीन फिट किया गया है। तो उस मशीन के साथ हम लोग पब्लिक को जानकारी दे रहे हैं कि जैसे आप वोट मार रहे हैं, आपका जो वोट जहाँ जा रहा है वो आपको मशीन में दिख रहा है। मानगो नगर पालिका की तरफ से ये ईवीएम मशीन जो अभी चुनाव होने वाला पार्लियामेंट और असेंबली का, उसमें उधर से वोट आए हमारे अधिकारी लोग ये जानकारी देने के लिए कि ईवीएम मशीन में कैसे वोट दिया जाएगा, क्योंकि वोट का तरीका इस बार जो है कुछ अलग तरीके का है। यहाँ की जनता को जागरूक किया जा रहा है और ये काम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से इस शिविर का आमंत्रित किया गया है कि आप हमारे कार्यालय में आइए और यहाँ के लोगों को अपने ईवीएम मशीन की जानकारी दें। तो ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का भी और मानगो के अधिकारियों का, उनके साथ जो भी लोग जुड़े। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।
एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक, जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्केलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, बिसाइड बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब ज्योतिष परामर्श केंद्र, भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जमशेदपुर प्रखंड की पूर्वी कीताडी पंचायत के अंतर्गत ईवीएम और वीवीपैट का जागरूकता अभियान लोगों के बीच चलाया गया और लोगों को बताया गया कि ईवीएम मशीन से वोट कैसे देना है। इसी क्रम में पंचायत सचिव जगपति मंडल अपने पंचायत में जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं तमाम पंचायत के मुखिया भी इस प्रकार की जागरूकता अभियान की सराहना कर रहे हैं, जहाँ लोगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जानकारी मिल रही है। ये तो हो गया, वोट तो हो गया। हां तो नहीं खुल रहा, हां नहीं खुल रहा, तो ये हलवान है हमारे, हलवान है। अभी साजा समझ ले जी, हां ईवीएम एवं वीवीपैट का जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें सभी वोटरों को इस चीज का जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले वोट के समय ये सब मशीनें यूज किया जाएगा और सबको जानकारी दे रहे हैं ताकि जानकारी रहे सभी को। देखिए, चुनाव आयोग जो हमारे यहाँ डीसी सर है, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जो वीवीपैट मशीन है, वोट जो दिया जाता है, पूर्व में एक इल्जाम में लगता था कि हम वोट दिए फलाना पार्टी को लेकिन दूसरे पार्टी पर चला गया, लेकिन वो दुविधा को ख़त्म करने के लिए आप गाँव हर बूथ में जाके, हर पंचायत में जाके वीवीपैट वोटिंग मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आप जिन पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पार्टी का देखिए, आप जिसमें सीरियल नंबर दे रहे हैं वो सीरियल नंबर प्लस उसका छाप आपका सामने दिखेगा और आप किन पार्टी को वोट दिए वो पार्टी का वोट चला जाएगा।
और दूसरी तरफ सरायकेला जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ डीसी छवि रंजन, एसपी चंदन कुमार सिन्हा, डीटीओ अनूप शरण समेत कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में विधिवत तरीके से किया गया। अभियान के दौरान जिला प्रशासन ने गांधीगिरी अपनाते हुए ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आग्रह किया। बता दें कि खुद डीसी और एसपी हाथ में फूल लिए लोगों से यह अपील करते नजर आए। इन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक गांधीगिरी की राह पर चलकर लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने हेतु अपील की जाएगी, फिर विशेष अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा। जो भी लोग मेजर व्हीकल्स एक्ट का जो वायलेशन है उसके लिए उनको जागरूक किया जाए कि ये फाइन है, और कैसे अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस लेके नहीं चल रहे हैं तो परिवार को भी नुकसान होगा। ना कि सिर्फ आपको नुकसान होता है बल्कि परिवार को भी नुकसान होगा। लाइफ सिर्फ आपकी नहीं जाती है, पूरे परिवार की जाती है। इसलिए सभी जो लोग हैं यहाँ पर गांधीगिरी के माध्यम से सबको गुलाब फूल दिया जा रहा है और उनको वीडियो दिखाया जा रहा है ताकि वो लोग समझे कि नियम को उल्लंघन करने से क्या नुकसान है। साथ ही जमशेदपुर में बागबेड़ा कॉलोनी स्कूल के छात्रों को पीटे जाने का मामला सामने आया है, जहां स्कूल के प्रचारक के द्वारा छात्रों की बेतहाशा पिटाई किए जाने की बात खुद स्कूल के छात्र तथा उनके अभिभावकों के द्वारा कही गई है। बताया जाता है कि इस स्कूल के प्रचारक का व्यवहार छात्रों के प्रति बड़ा ही क्रूर है और उनके द्वारा छात्रों की बेधड़क पिटाई की जाती है। मंगलवार को भी एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक छठवीं कक्षा के एक छात्र को प्रचारक ने एक कमरे में बंद कर बेधड़क पीट डाला, यहां तक कि छात्र के हाथों से खून भी निकल गया। इसके बाद से प्रचारक स्कूल से फरार हो गए हैं। वहीं छात्र के अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। उनके अनुसार प्रचारक के द्वारा लगातार इस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ किया जाता है। हम एक लड़का को प्रिंसिपल के पास ला रहे थे, प्रिंसिपल खुद मेरे को मार के हाथ से खून निकाल दिया। वर्ग 6 का बच्चा था और मैं भी 6 में पढ़ता हूँ, शांति निकेतन हाई स्कूल, ठीक है, रोड नंबर 1 में जो आपको ये शांति निकेतन स्कूल है, यहाँ के प्रिंसिपल जो B8 है BM चौधरी, जो यहाँ के बच्चों को रूम में बंद करके डंडे से खूब मारते हैं और लड़के को हाथ पांव मार के खूनू निकाल दिया जाता है। यहाँ यही होता है, हर बार कपड़े भी फाड़ दिया जाता है और मास्टर मारने के बाद यहाँ से मास्टर गायब हो जाते। साथ ही जमशेदपुर में पंचायत समिति अधिकार मंच के बैनर तले प्रखंड कार्यालय के समक्ष तमाम पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बता दें कि इनके इस आंदोलन में झामुमो ने भी इनका समर्थन किया है। इस आंदोलन के दूसरे दिन से झामुमो ने भी इसका समर्थन किया है। इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि 3 वर्ष पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे और तब से लेकर आज तक पंचायत समिति सदस्यों को जनहित के कार्यों के लिए राशि आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर पंचायत समिति में भेजा है उनके जनहित के कार्य अधर में लटके पड़े हैं, चूंकि राशि नहीं होने से कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। जब तक सरकार की तरफ से उन्हें राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक इनके द्वारा यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। जितने भी पंचायत के स्पेशल रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को 10-10 लाख रुपया देने का काम किया था, जिसके बलबूते इन्होंने अपने क्षेत्र विकास का काम किया। धरना पे बैठे हैं, आज का दूसरा दिन है, आज ये लोग भूख हड़ताल पे, लेकिन सरकार, ये रघुवर सरकार है, भाजपा की सरकार है, इतनी उदासीनता है इनका इनके प्रति, क्योंकि ये लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव जीत कर आए हैं। इन्होंने भी जनताओं के बीच में वादा किया था कि मैं पंचायत समिति का सदस्य बनता हूँ तो मैं भी आपके क्षेत्र में विकास करूँगा, लेकिन आज उनको 4 साल होने जा रहा है विकास के लिए, एक भी फंड जैसे सांसद विधायक और जिला परिषद को मुखिया को मिल रहा है, उनका भी अधिकार बनता है, इन्हें भी दिया जाए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं इनको वंचित रखा गया है ताकि ये लोग विकास कर से दूर रहें। साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग को लेकर ST/SC/OBC मोर्चा ने डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इधर मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र यादव ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। ST/OBC माइनॉरिटी मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी हूं। आज हम जन प्रदर्शन के माध्यम से भारत के वाद विधाता, गरीबों के मसीहा, कानून मंत्री और महामहिम भारत सरकार के राष्ट्रपति को जन प्रदर्शन के माध्यम से जो हम स्मारक पत्र देने जा रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि भारत में
बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई पैदा लिया है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है, और ऐसे जन नेता को जेल में बंद रखना जनता के साथ नाइंसाफी है। सीबीआई का विरोध क्यों? सीबीआई का विरोध कर रहे हैं वो जो ऐसे मोदी सरकार के दबाव में आकर लालू यादव पर तरह तरह के झूठा मुकदमा करके जेल में बंद किए हुए हैं। मित्रों, ये हमारी लड़ाई शुरुआत है, पूरी लड़ाई अभी हमारी बाकी है। और अब खबरों में आगे बात करेंगे हम शहर में रोज बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं की। जी हां, आपको बता दें कि बिष्टुपुर आदित्यपुर गोल चक्कर के समीप स्कूटी सवार एवं जुगसलाई नगर पालिका का सफाई कर्मी रघुनाथ सोरेन अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जख्मी हो गया है। बताया जाता है कि बिल्डी बस्ती निवासी व जुगसलाई नगर पालिका का सफाई कर्मी रघुनाथ सोरेन मंगलवार को स्कूटी से ड्यूटी जा रहा था, तभी बिष्टुपुर आदित्यपुर गोल चक्कर के समीप एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और घटना के बाद घटनास्थल से भाग गया। बता दें कि रघुनाथ को पैर और मुंह में चोट लगी है। बाद में पुलिस ने जख्मी सफाई कर्मी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया। इधर जख्मी रघुनाथ सोरेन ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। आप लोग थाना जाइएगा, ठीक है ना, वहाँ पर जाके बोलिएगा। रघुनाथ सोरेन कहाँ रहते हैं? बिल्डी बस्ती में रहते हैं। बिल्डी बस्ती कहाँ? कोऑपरेटिव कॉलेज के बगल में। कहाँ काम करते हैं आप? जुगसलाई नगर पालिका में। क्या चीज़ का? सुपर काम करते हैं। क्या हुआ आपका एक्सीडेंट? कैसे हुआ एक्सीडेंट? हो गया, मेरे को पीछे से मार दिया मेरे को। अच्छा, कौन कौन मरा वो तो हम लोग पकड़ा नहीं सकता, हम लोग पुलिस लोग लाया है। हाँ, पुलिस लोग हमको लेके आ गया यहाँ। आप कहाँ जा रहे थे? ड्यूटी हम जा रहे थे सुबह। अच्छा, हाँ फिर तो क्या चीज़ से जा रहे थे? बाइक स्कूटी से। आपका? हाँ, मेरा स्कूटी से हम जा रहे थे। आप अकेले थे स्कूटी? हाँ, अकेले थे। कौन गाड़ी मारा कुछ पता चला आपको? नहीं, हमको तो एकदम ध्यान नहीं था भाई बाबू, हम तो लग गया तो हमको ध्यान नहीं, इतना हम ध्यान नहीं दिए। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी वो वशीकरण स्पेशलिस्ट,
एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे आपको बताएंगे दिन पर दिन शहर में बढ़ रहे नौकरी के नाम पर ठगी की। जी हां, आपको बता दें कि देवघर जिले के मधुपुर निवासी नितेश कुमार यादव नौकरी के नाम पर 1,30,000 रुपए की ठगी का शिकार बन गए हैं। इधर मामले के संबंध में नितेश कुमार यादव ने बताया कि बाडेडी स्थित फ्लैट नंबर 20 के निवासी अभय कुमार सिन्हा ने टाटा स्टील कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 1,30,000 रुपए ठग लिया। बाद में सिन्हा ने उन्हें एक ब्लैंक चेक दिया जो कि बाद में डिफॉल्टर हो गया। नितेश ने कहा कि सिटी एसपी से भेंट कर दोषी अभय कुमार सिन्हा के खिलाफ ठगी की कार्रवाई करने की मांग की है। प्लानिंग करोगे कि हम इसमें भी मैनेज कर दें? हम लोग यहाँ नया जगह में सब मैनेज किए हैं, तो मेरा भी पेपर साइन करा लिए हैं, मेरे नाम से था भी पेपर, तो सारा कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं। मैम, देवघर डिस्ट्रिक्ट मधुपुर कराने वाला हूँ। जमशेदपुर में क्या हुआ आपके साथ मामला? जमशेदपुर में मुझे इंटरव्यू बुलाने के दौरान और सब कुछ हो गया है। जर्नल लेटर, कन्फर्मेशन लेटर था, आईडी कार्ड वगैरह सब मिल गया, लेकिन आज तक कभी नौकरी नहीं हुआ, ना दोबारा कभी कंपनी में मुझे बुलाया। किस कंपनी का? टाटा स्टील कंपनी में। कौन आपको बोला था नौकरी बुलाने? अभय कुमार सिन्हा। कहाँ कराने वाला है? वो बारेडी फ्लैट नंबर 20 में रहता है। तो क्या हुआ, कब दिए थे साहब उसको? 2016 में दिए थे उन्होंने। फिर उसके बाद? उसके बाद दो तीन बार बुलाया गया हम लोग को, फिलहाल कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्वार्टर भी दिया गया कि आप लोग से लाउन नाम से अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, और ना ही हम लोग को कभी उसके भी इंटरेस्ट लिए, ना हम लोग बुलाया गया दोबारा। क्या लग रहा था आपको? मुझे तो लग रहा है कि अब कभी ऐसा होगा ही नहीं। क्या हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ फ्रॉड गिरी हुआ। साथ ही आपको बता दें कि जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र अंतर्गत आजाद बस्ती गुरुद्वारा रोड में इन दिनों कचड़ों का अंबार देखा जा रहा है, जहाँ कचरा इतना जमा हो रहा है कि अब स्थानियों को बीमारियों का डर सताने लगा है। बता दें कि मुख्य रूप से नाला जाम होने के कारण यहां कचड़ों का अंबार लग रहा है। यह नजारा है टेलको क्षेत्र के आजाद बस्ती इलाके के गुरुद्वारा रोड का, जहां घरों के पीछे नाला बना हुआ है और इसी नाले के माध्यम से इस क्षेत्र के घरों का पानी बाहर निकलता है। इस नाले की नियमित सफाई नहीं होने के कारण पूरा नाला जाम हो गया है, जिस कारण से यहाँ के लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। नाले पर बने स्लैब भी टूट फूट गए हैं, जिससे चारों तरफ बदबू ही बदबू आती है, जिससे यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कई बार अक्षय विभाग से यहाँ के स्थानियों ने इसकी सफाई व्यवस्था की मांग की है, लेकिन अक्षय विभाग द्वारा यहाँ कोई सफाई नहीं करवाई जाती। आजाद बस्ती गुरुद्वारा रोड के पीछे का नाला है, करीब डेढ़ साल से ऊपर ही हो गया होगा। इसकी साफ सफाई कोई भी ठेकेदार लोग के तहत नहीं हो रहा है, और जिसके कारण नाला में ड्रेन बढ़ता जा रहा है और वो पानी ऊपर आ जा रहा है, जिसके तहत काफ़ी सारी बीमारियों का भी होने का काफ़ी ये रहता है, संभावना रहती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जो भी हो सही स्तर से साफ सफाई का जिम्मेवारी किसी को दिया जाए। साथ ही जमशेदपुर के मानगो स्थित शिव मंदिर तथा साक्षी स्थित शीतला मंदिर में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई। बता दें कि दोनों मंदिरों से महिलाएं नदी तट पर पहुंची, जहां कलश यात्रा की शुरुआत हुई। मानगो स्थित शिव मंदिर में 7 दिनों का यह आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। गाजे बाजे के साथ सभी महिलाएं नदी तट पर पहुंची और नदी से जल लेकर वापस मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां पूजा अनुष्ठान शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर साक्षी के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी भी शुरुआत कलश यात्रा से हुई। मंदिर प्रांगण से महिलाएं नदी तट पर पहुंची, जहां से यह कलश यात्रा शुरू हुई। यहां 10 दिनों तक यह आयोजन चलेगा। कालिका नगर में हमारे शिव मंदिर में
में जागरण का कार्यक्रम है। आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि हमारे कालिका नगर में आइए और भोले बाबा के सारा प्रतिष्ठा और प्राण में सहयोग दी। कितना हुआ स्थापना दिवस है? स्थापना कल 12-1 बजे स्थापना हो जाएगा हमारे वहाँ पे कालिका नगर। और नाम बता दिए? पंकज शर्मा मेरा नाम हुआ। वहीं दूसरी ओर सरायकेला एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मंगलवार को आदित्यपुर थाने का निरीक्षण किया। बता दें कि एसपी अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आदित्यपुर थाना पहुंचे थे, जहां इन्होंने थाने का निरीक्षण करते हुए दस्तावेजों की जांच की। मामलों के निष्पादन संबंधित निर्देश से थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को दिए। इस मौके पर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अपराधियों को पकड़ना, मामला दर्ज करना, मामले का उद्भेदन करना पुलिस के प्रमुख कार्य हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अभिलेखों को पूर्ण करना। एसपी ने बताया कि अभिलेख अपडेट होने पर ही मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि रिकॉर्ड सटीक और सही होने पर ही पुलिसिया कार्रवाई बेहतर हो सकती है। इस मौके पर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की भी तैयारी जिला पुलिस कर रही है, जिसके तहत संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है। या इसका भी कोई हाइपर एक्टिव आदमी है तो मे भी कोई वो हमेशा संवेदनशील मिले, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वही संवेदनशील होगा। अपराधी को पकड़ना, उद्भेदन करना, देश को डिस्पोजल करना, ये चलता है। लेकिन थाना में बहुत सारे अभिलेख होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। आप अगर वो अभिलेख अपडेटेड न रखें तो जो आगे लोग आएंगे या अभी भी थाना अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको देखने का जो है कोई आधार नहीं रहेगा जी। तो अभिलेख मुख्यतः देखा जाता है इंस्पेक्शन में कि अभिलेख सब कुछ सही भरे हुए हैं नहीं भरे हुए हैं, सब अद्यतन है या नहीं जी। इसके अलावे थाने का कोई भी डायमेंशन, चाहे वो थाने के व्यवस्था, सुविधा असुविधा, कितने लोग हैं, किन की कोई व्यक्तिगत समस्या है जी, अगर कोई काम जो चल रहा है वो सही तरीके से रिकॉर्ड भरे जा रहे हैं नहीं भरे जा रहे हैं जी, और अगर कोई रिकॉर्ड में गड़बड़ी तो कैसे सुधारा जा सकता है जी। तो मुख्यतः ये जो है ये होता है कि गाइड किया जाता थाने को कि ताकि काम को ओवरऑल इम्प्रूव किया जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस को मिली सफलता, मोबाइल एवं वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान हुआ बरामद। मिशन 19 को लेकर महिला कांग्रेस ने कसी कमर, प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से महिलाओं को किया जागरूक। रेलवे में नौकरी के नाम पर महिला अधिवक्ता हुई ठगी का शिकार, अपने साथियों के विरुद्ध कराया मामला दर्ज। और स्टेशन क्षेत्र में रेल पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानदारों में दिखा आक्रोश। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ, तब तक से देखते रहे सिटी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।